नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक डॉट इन। विधानसभा चुनाव हो या फिर एमसीडी के चुनाव, आपको बता दें जो सबसे ज़्यादा चर्चा में चीज़ रही वो थी ईवीएम। ईवीएम मशीन को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो सवाल उठाती रही। आज हम आपको यही बताएंगे कि ईवीएम मशीन दरअसल काम कैसे करती है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ईवीएम मशीन का, पहले आपको ये बॉक्स दिखा दें, यहाँ पर ये पूरा मशीन है। एक एक करके आपको हम बताएंगे कि ये काम, ये बैलेट यूनिट है और ये है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट किसी और शख्स के पास होता है, बैलेट यूनिट वो है जिसमें आप बटन प्रेस करके अपने उम्मीदवार का नाम तय करते हैं। ये देखिए पावर बटन लगाया, पावर प्लग लगाया, जिसके बाद ये ऑन हो जाता है। उसके बाद टोटल प्रेस किया जाता है ताकि ज़ीरो पहले नंबर कर लिया जाए सभी को, और उसके बाद फिर बैलेट प्रेस करके और फिर अपने उम्मीदवार का नाम, जिस किसी भी उम्मीदवार है उसका प्रेस करना है। हर बार ये किया जाता है, तो पहले इस तरह से चेक कर लिया जाता है, फिर टोटल नंबर प्रेस करके देख लिया जाता है कि ये सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं मशीन। फिर क्लोज बटन यहाँ पर दबा करके इसे ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ बता दें, ये देखिए ये बैलेट यूनिट है, इसको स्विच ऑफ कर दिया गया, यानी कि अब वो बंद हो गया है। वही मशीन अब यहाँ पे बूथ पे पहुँच गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं बैलेट बटन प्रेस किया गया। उसके बाद जो उम्मीदवार हैं आपके, उस उम्मीदवार का नाम आप तय करके आप यहाँ पर प्रेस कर दें। ये देखिए इस तरह से आपने प्रेस कर दिया और ये रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद आप देखें कि जिस तरह से जब वोटिंग पूरी हो गई तो इस मशीन को ला के रखा जाता है, फिर से इस बटन को निकाल करके क्लोज बटन प्रेस किया जाता है, यानी कि अब इसमें आपके मत जो है वो रिकॉर्ड हो गए। फिर उसको बटन को बंद करके और यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया जाता है। स्विच ऑफ करने के बाद पावर प्लग जो है वो निकाल दिया गया और इस मशीन को जो बॉक्स है उसमें पैक करके बाकायदा सील कर दिया जाता है। ये वो सिस्टम है पूरी तरह से जो किया जाता है। सील करने के बाद ये वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर काउंटिंग होती है। आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब काउंटिंग के लिए इसको जो सील किया गया था उसे हटाया जाता है। बूथ पे जो सील किया गया था उसको, सील को हटा करके यहाँ पर वापस से स्विच ऑन किया जाएगा इस मशीन को। चूँकि यहाँ बैटरी नहीं है तो इसलिए ये सिग्नल शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर अब अलग से, ये देखिए बैटरी लगाई गई। बैटरी लगते ही अब ये ऑन हो गया। ऑन होने के बाद वापस से पावर प्लग लगा करके ये देखिए रिजल्ट लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, रिजल्ट जैसे ही प्रेस करेंगे कैंडिडेट्स और वोट्स ये लगातार आने शुरू हो जाएंगे और इस पेपर में, वहाँ पर पेज रहता है उसमें आपको नोट करना है। तो ये है दरअसल पूरा सिस्टम, इसी तरीके से पूरा जो है ईवीएम मशीन काम करता है। अब इसमें आपको एक साफ तौर पर बात हम बता दें कि इसमें कुछ भी आप मैन्युअली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, गुंजाइश है ही नहीं। शुरू से लेकर आखिर तक हमने आपको दिखाया कि इसमें सिर्फ मैन्युअली जो किया जाता है, पावर बटन ऑन करना या फिर पावर प्लग जो है उसको लगाना। साथ ही साथ आपको हम बता दें इसमें लगातार, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें जो है सिर्फ आप इन्हीं चीज़ों के अलावा और कुछ भी इसमें नहीं कर सकते। इसलिए सवाल उठाना इस पर लगातार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो सवाल उठा रहे थे वो सरासर नाजायज़ है और गलत है।